तो अब बड़ा सवाल यही रह गया है कि क्या वाकई अब ऑल इज वेल। छत्तीसगढ़ में चुनाव के महज कुछ महीने बाकी हैं और चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव को प्रदेश का उपमुख्यमंत्री बनाकर दांव चला। सियासत में उबाल आ गया, पार्टी के भीतर अंतर्कलह, अंतर्द्वंद और मनमुटाव के जो बातें कही जा रही थीं, माना यह जा रहा है कि उसे दूर करने की कोशिश है, ऐसा बीजेपी का कहना है, या वजह कुछ और है। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। एयरपोर्ट पर समर्थकों का उमड़ा हुजूम और नारेबाजी, ये जोश है छत्तीसगढ़ के पहले डेप्यूटी सीएम बने टीएस सिंहदेव के अभिनंदन का। बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हुई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, भूपेश सरकार में ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समेत अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। चुनावी रणनीति बनी, साथ ही हुआ बड़ा फैसला। फैसला ये कि टीएस सिंहदेव प्रदेश के डेप्यूटी सीएम होंगे। इस फैसले के बाद सिंहदेव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का आभार जताया, कहा एक दिन की जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने का मौका मिला, हाईकमांड ने जब भी जो जिम्मेदारी ली उसको निभाने की कोशिश की है। एक दिन की भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और ये तो सतत जिम्मेदारी की क्रिया रहेगी। चुनाव से महज कुछ महीने पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव चल दिया, भला बीजेपी कैसे चुप रह सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत कई नेताओं ने निशाना साधा। सुनिए जरा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद, वो भी 120 दिन के लिए, जिसमें से 2 महीने आचार संहिता में लग जाएंगे, 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया, बाबा को झुंझुना पकड़ा दिया। अब बाबा बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। जिस टीएस सिंहदेव जी से कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने का, आखिरी 4 महीने में चला चली के बेला में उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ अन्याय अत्याचार किया है। ये मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव जी का ये अपमान है। श्री टीएस सिंहदेव साहब को उप मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया है। के लिए टीएस सिंहदेव साहब को मुख्यमंत्री 3 महीने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। हम सोचते हैं कि टीएस साहब इतने वरिष्ठ नेता हैं, शायद कांग्रेस ने उनका अपमान ही किया है। सियासी हलके में कयास लग रहे हैं कि इसके पीछे बड़ी वजह अंदरूनी कलह और छत्तीसगढ़ में राजस्थान जैसे हालात को टालना है। जाहिर है सिंहदेव का नाम उछालकर बीजेपी अक्सर कांग्रेस के अंतर्द्वंद और कलह को दिखाने की कोशिश करती रही है। इसे अब खारिज ही समझा जाए। पायलट और को पायलट के साथ उड़ता कांग्रेस का चुनावी जेट, इसका मुकाबला बीजेपी कैसे कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और उससे भी ज्यादा दिलचस्प होगा ये देखना कि क्या वाकई अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में ऑल इज वेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो दरअसल यही सबसे बड़ा सवाल। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका शर्मा जी। नितिन भंसाली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भंसाली साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले भंसाली साहब आपके पास ही मैं आ रहा हूं। डॉक्टर रमन सिंह को हम अभी सुन रहे थे, गुणा भाग भी उन्होंने कर लिया, अच्छी बात है। 60 दिन के उप मुख्यमंत्री नितिन जी, जब आदरणीय महाराज टीएस सिंहदेव साहब खुद बोल रहे हैं कि एक दिन की जिम्मेदारी भी बड़ी होती है, समय समय पर पार्टी जो है नेताओं को दायित्व देती है, जिम्मेदारियां देती है, उसके तहत दी गई, पर मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही लिए जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बौखलाहट से ये साफ साफ हो रहा है कि किस तरीके से बाबा साहब के उप मुख्यमंत्री बनने पर इनको तकलीफ सी होने लगी है। हाल ही में बीच में पटना में मीटिंग हुई, सर्वदलीय बैठक हुई, जो 20 दलों की जो मीटिंग हुई उसके बाद भी जिस तरीके से गुब्बार छूटा इन लोगों का भाजपा का, तो उससे भी ये जाहिर हुआ कि हम सफल हुए, हमारी मीटिंग सफल थी, क्योंकि इनकी चिड़चिड़ाहट और इनकी खींच ये साबित कर रही है कि ये परेशानी में है।
देखिए तैयार है हम, माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने कहा अब तैयार है कि जय वीरू की जोड़ी जो है पुनः 2023 में 71 प्लस में कांग्रेस की सरकार बनाएगी, ये तय हो चुका है जी 71 प्लस से। ये बड़ी अच्छी बात भंसाली साहब आपने याद दिला दी, क्या वजह है फिर टीएस सिंहदेव बोल रहे हैं कि हम 60 में भी संतुष्ट हैं? देखिए वो उनका अपना आकलन है, पर पार्टी ने संगठन ने ये तय किया है कि 71 एमएलए तो हम आज हैं, पर हमें उन हारी हुई सीटों पर फोकस करना है जहां पर हम नहीं जीते हैं। हमारा फोकस उन सीटों पर है, साथ ही जिन सीटों पर सिटिंग एमएलए हमारे हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जो सीटें होती है या जो संख्या होती है उससे अधिक संख्या पर ही काम किया जाता है। बेहतरीन काम कर रहे हैं मतलब भोपाली में कहा जाए तो एकदम भन्नाट। इससे जुड़ा एक सवाल आपसे रहेगा नितिन जी, पहले संदीप जी आपके पास मैं आना चाह रहा हूं। उप मुख्यमंत्री का पद मिला है छत्तीसगढ़ की, ये छत्तीसगढ़ में एक नई परंपरा, बीजेपी के रिएक्शन भी आ रहे हैं, क्या आपका रिएक्शन है संदीप जी? देखिए ललित जी, उप मुख्यमंत्री बनाने की तो बात नहीं थी, बात थी 2.5 साल के बाद में इनको मुख्यमंत्री बनाने की। अब उनको 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाए हैं मुख्यमंत्री बनाना छोड़ करके। अब इसको तो वही बोलेंगे कि ये जो है पूरी बैटिंग हो ली है, और जब आखिरी ओवर मिला तो आखिरी ओवर भी 4 गेंद खेलने के लिए उनको मिला है, पूरा ओवर भी नहीं दिया गया है। अब इसके बाद भी संतुष्ट हैं और वो कह रहे हैं कि जो जिम्मेदारी मिलेगी मैं निभाना चाहता हूं, निभाऊंगा। तो मेरा उनसे सवाल है कि आप पंचायत मंत्रालय छोड़कर के क्यों भाग गए थे बीच में, जब आप इतने जवाबदारी की चिंतित थे। गरीबों को जिस समय मकान देने की बात थी, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि मैं मकान नहीं दे पा रहा हूं गरीबों को, तब तो आप भाग खड़े हुए, लेकिन खुद को कुर्सी में बैठना है, भले वो 60 दिन हो चाहे 1 दिन हो, तो कुर्सी के लालसा में आप आकर के कुर्सी पर बैठ। तो ये क्यों ना माना जाए, लंबी चौड़ी लिस्ट है, देवेंद्र फडणवीस है उत्तर प्रदेश में, मॉडल काम कर रहा है, इससे पहले कई और राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में जो उप मुख्यमंत्री वाला मॉडल है वो अलग है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर ये मॉडल है तो ये अलग है, ये कुर्सी की लालसा है। संदीप जी, ललित जी जी, ये तो एक मंत्रालय की इस्तीफा दी है ना, जो कह रहे हैं कि मैं जो 1 दिन के लिए भी जिम्मेदारी से भागता नहीं, 1 दिन के लिए भी जिम्मेदारी लेने तैयार हूं, मैंने उस परिप्रेक्ष्य बात की जी। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी जो है, जो 2.5 साल में इनको बनाने की बात आई थी तो उस समय भूपेश को नहीं बनाए, भूपेश को हटाए नहीं, इनको बनाए नहीं, भूपेश है तो भरोसा का खूब पॉलिश किया चेहरा, लेकिन जब पता चला, जब ये पता, अरे आप बीच में मत बोलिए, आपको जब आपको जवाब दूंगा तो दे दूंगा जवाब। सुनिए सुनिए भंसाली जी, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। देखिए ये तो साबित हो गया, इनको इस बार बनाने से सब साबित हो गया, और लगातार सीधे जी ने खुद कहा 2.5 साल की बात, इसमें पेपरों में आप पढ़ लीजिए, उन्होंने बयान भी दिया था, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए, भूपेश बघेल जी जो चर्चा चला रहे थे कि भूपेश है भरोसा, इसको डेंट लगा है, अब भूपेश पर भरोसा नहीं रहा कांग्रेस पार्टी को भी, और इसीलिए और चेहरा लाने की बात हुई। कल शैलजा जी ने कहा भूपेश है तो भरोसा नहीं है, ये भी जो मत बोलिए, भूपेश है तो भरोसा इस गरीब जी, प्रदेश के गरीब को है, किसान को है, मजदूर को है, भंसाली जी एक मिनट, ठीक ठीक भरोसे पे आ रहे भाई, आ रहे भरोसे पे। हाँ संदीप जी, शॉर्ट में बहुत प्लीज, ललित जी, ललित जी ऐसा डिबेट कराएंगे ना, अरे संदीप जी बोलिए ना, आपको सुन रहा हूं, ऐसा डिबेट करने वालों को जी, बोलिए बोलिए, आपको सुन रहे हैं संदीप जी, देखिए क्या तारतम्य तोड़ते हैं। हाँ तो ये जो उसको डेंट लगा इसलिए ना चेहरा लाया। कल शैलजा जी ने क्या कहा दिल्ली में, उन्होंने दिल्ली में कहा कि अब हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो भरोसा हट गया। धीरे धीरे जो करप्शन के चार्जेस लगे भूपेश बघेल पर, ये उसी का नतीजा है, और ईडी की कार्रवाई को अब भरोसा हुआ केंद्र सरकार को, ईडी की कार्रवाई में दम है, इसलिए सब परिवर्तन की बात है। कल को कुछ हो जाएगा तो चेहरा चाहिए, आप एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, एक महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूँ, आप बीच में क्या बीच में बात करते हैं, ये सुनना चाहिए। संदीप जी आप रुक जाते हैं, भंसाली साहब पहले आप अपना पॉइंट रख दीजिए, फिर मेरा सवाल रहेगा। नहीं मेरे बोलने नहीं देंगे आप इस तरह से, लीजिए फिर मुझको डिबेट से हटना होगा, तो ये ईडी हटना होगा। नहीं रुकिए, संदीप जी कहाँ जाएंगे, अभी डिबेट का सिलसिला, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी रुकिए तो प्लीज, आपकी सारी बातें सुनी गई, इनका ऑडियो डाउन करिए, अरे आपकी ऑडियो डाउन, संदीप जी आपकी सारी बातें, मैं आपको बता रहा हूँ सारी बातें, अभी आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए, अभी सारी बातें सुनी गई, मैं बता रहा हूँ। अभी चार दिन पहले हाईकोर्ट ने सौम्य चौरसिया का जमानत याचिका खारिज कर दी, जो ईडी के चपेट में आकर के करोड़ों रुपए की संपत्ति जी के अटैच किया गया, और हाईकोर्ट ने जो वहां पर तर्क दिया है, जो टिप्पणी की है कि जमानत याचिका खारिज करते में, वो बहुत गंभीर है,
और इन सारी बातों से मुझे लगता है कि केंद्र के जो नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी के, उनका भरोसा हटा भूपेश बघेल से और उनके कान खड़े हो गए। कई मामलों में हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणियां रही। अब मैं रुक रहा हूँ आप, ठीक है संदीप जी? हाँ नहीं आप रुक जाए, ए प्लीज मंच थोड़ी है। नितिन जी प्लीज। हेलो। हाँ नितिन जी प्लीज। हाँ पूछिए जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अब आप बोल दें शॉर्ट में, फिर मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा। देखिए ये जो बार बार कहते हैं कि भूपेश बघेल का भरोसा हट गया, भूपेश का तो भरोसा है। मैंने कहा कि भूपेश है तो भरोसा इस प्रदेश के किसान को है, युवाओं को है, मजदूरों को है, महिलाओं को है। इस प्रदेश के विकास में देखिए भूपेश बघेल जी का कितना बड़ा योगदान। विश्वास नहीं, भरोसा ही नहीं, पूर्ण रूप से भूपेश है तो भरोसा है। और मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है ये इतने बौखला क्यों रहे। हमारी मीटिंग थी कल, तब भी बीच में बीजेपी के नेताओं ने धड़ाधड़ स्टेटमेंट जारी करके आपके कैमरों में आकर बुलाई मीटिंग कर रही है। हाँ। इतनी क्यों जड़े हिली हुई है भाई, इतना क्यों कर रहे हैं आप? एक सवाल नितिन जी, कि आप लोगों की जड़े हिली हुई है, आपने जिम्मेदारी देने की बात कही है, पर आपकी सारे एक साथ डांस करने में लगे हुए, दूल्हा कौन है इनको खुद को नहीं पता। ठीक ठीक, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि उप मुख्यमंत्री अब आपने बना दिया एक नई परंपरा भी, फर्क क्या आएगा नितिन जी? देखिए ये फर्क क्या आएगा, इसमें और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, ये हाईकमान, पार्टी नेतृत्व और मुख्यमंत्री, ये सारे लोग मिलकर तय करते हैं। अभी तो सिर्फ आदेश हुआ है कि टीएस बाबा जो है वो मुख्यमंत्री होंगे और वो है, और साथ ही में उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय वर्तमान में है, तो बाकी हाँ, आगे मानक पद तो है नहीं, वो हस्ताक्षर फैसले वो अख्तियार तो उनके पास रहेगा नहीं। शीर्ष नेतृत्व तय करता जी भंसाली साहब, हस्ताक्षर का अधिकार नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं कि चलिए अगर बघेल साहब नहीं है तो वो किसी मीटिंग को बुला सकें, ये अख्तियार भी नहीं, ये तो संवैधानिक व्यवस्था ही नहीं है। इन सब सवालों का जवाब जो आप आज कर रहे हैं, ये मुझे लगता है आपको कुछ दिन रुक कर करने चाहिए, क्योंकि अभी तो बाबा साहब के ऑर्डर हुए हैं, ऑर्डर होने के बाद उन्होंने ज्वाइन भी किया। अब तो चुनाव के लिए चार महीने बचे भंसाली साहब, जल्दबाजी होगी ये कहना, चुनाव के लिए चार महीने बचे भंसाली साहब, किस प्रकार से होगा। ठीक, हाँ संदीप जी प्लीज, आप कुछ बोल रहे थे। मैं ये बोल रहा था कि देखिए ये क्या है, ये तो बिना बाराती के बिना गोदी के दूल्हा है, गोदी पकड़ी पहन के मोदी कहाँ पर कहाँ पर होता है, पता नहीं है, ऐसे दूल्हा बनकर के आ गए। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आज अंतरकलह मची हुई है, उस अंतरकलह को एक एक साइड को शांत करने की कोशिश की गई है, लेकिन अब दूसरा मोर्चा खोल गया मोहन मरकाम जी का। आप देख रहे होंगे महासचिव वाले मामले में किस ढंग से शैलजा जी और मोहन मरकाम जी के बीच तलवार है, और मुख्यमंत्री जी किस ढंग से तलवार। संदीप जी आप एक अब मैं रोक रहा हूँ आपसे, आप हर बार बोलते हैं कि भाई अंतरकलह मची हुई है, बहुत बुरी स्थिति है, ये स्थितियाँ मची है स्थितियाँ वहाँ इतनी बुरी है, और लोग आपके पास से टूट के वहाँ जा रहे हैं। साय साहब और भी लाइन पे है ललित जी, देखिए जहाँ जाना है ले ले, जिनको लेना है जो लाइन में लगे उनको ले लीजिए, कोई हम खरीदते नहीं है, आप लीजिए खरीदते नहीं, अरे खरीदना भी नहीं है, हमारी पार्टी की नीति नीति रिवाज को एक्सेप्ट करके आते हैं, उनको सम्मान जताते हैं, और उनका ये बड़े हैरत की बात है संदीप जी। अब मेरा सवाल, ये बड़े हैरत की बात है, सवाल जी ललित मुझसे है, ललित जी सवाल मुझसे किया था आपने, सवाल मुझसे किया था, मुझे जवाब देने नहीं दिया आपने, चलिए जवाब ठीक, मैं उसी में ऐड ऑन करना चाह रहा हूं, आप जवाब दीजिए फिर मैं जोड़ता हूं प्लीज, करिए। हाँ सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि जिसे जाना है चले जाएं, ले लीजिए, और उसके बाद साय साहब जाते हैं तो पार्टी का एक नेता बोल रहा है कि बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्होंने ही बीजेपी को सींचा है, और आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब हैं वो भी तंज कस रहे हैं कि हमने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के रखा था, आपको तो अभी सिर्फ राज्य में कैबिनेट का दर्जा मिला। देखिए मैं आपको कह रहा हूं, मैंने कब कहा, हम कब कह रहे हैं हमारे लिए सम्मानित व्यक्ति, लेकिन अगर उनके अंदर कोई असंतोष है हमारे सम्मान देने के बाद भी, तो उसका कोई इलाज नहीं है, तो बिल्कुल कह रहे सम्मानित थे हम, कहीं इनकार नहीं कर रहे उसे, हमने बहुत सम्मान दिया, राज्यसभा बनाया, लोकसभा बनाया, एक आयोग को उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, केंद्रीय मंत्री को उनको दर्जा दिया, सब दिया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और फिर एक दिन अकेला धरना धरने के लिए छोड़ दिया।
नहीं नहीं वो नहीं, अब वो उसके बावजूद कोई व्यक्ति को लगता है कि मैंने देखिए अगर उनको कांग्रेस में अपना ज्यादा अच्छा भविष्य दिखता है और अगर वो जाना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा लगता है कि जिसको जहां पर अपना भविष्य अच्छा लगता है अगर वो वहां जाता है तो जाए, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। हमने कहा लेकिन हमने ये भी कहा उनका सम्मान था हमारी नजर में, हमने कब कहा हमारे अपमानित व्यक्ति थे, सम्मानित थे, हमने हमेशा कहा है। ठीक, तो ये इस तरह की बात करने का कोई मतलब नहीं है और कोई अर्थ नहीं होता, उनको जाना था चले गए। और अगर उनको लगता है उनको अभी कोई पद दे रहे हैं तो अगर ये लगता है कि इस तरह के पद दे करके लोगों को बुलाया जा सकता है तो उनको बुलाएं, कोई हमको आपत्ति उसमें नहीं है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस ढंग से आज कलह मची है उसी का नतीजा है, वरना ये बार बार विधायकों को लेकर के वहां जो ट्रिप करते थे, मतलब पूरे विधायकों को रात भर में फ्लाइट में ले जाना, फिर बल दिखाना, ये जो संजीव जी था जी, ये तो अपने आप मध्य प्रदेश के पूरे विधायक आपको। नितिन जी एक बड़ा जरूरी सवाल रह जाएगा, संदीप जी ने जो बात याद दिलाई है, संदीप जी ने जो बात याद दिलाई है, दो नाम कुमारी शैलजा और मोहन मरकाम जी, प्लीज किसके लिए सवाल है जी? बंसाली साहब आपके लिए सवाल, संदीप जी ने याद दिलाया, सवाल भी उठाया, मोहन मरकाम कुमारी शैलजा, ये भी पहली बार हो रहा है कि प्रभारी कुछ घंटे के लिए रहे और कुछ घंटे बाद प्रभार बदल गए। कोई बात नहीं, इसमें सामान्य बात है, बहुत ही सामान्य बात है। मैंने क्या कहा, कुत्ते भाजपा के पास नहीं है, अरे भाई खुद का घर संभालो। वो साय जी निकल गए, मैंने कहा ना चार पांच और लाइन में चलिए तो उनको संभालो। ये अद्भुत, हमारे यहाँ क्या चल रहा है, हमारे अद्भुत है, इलेक्शन मोड में है, हम इलेक्शन को लड़ने की प्रक्रिया में है, मैं हम इलेक्शन को चुनौती मानते हैं। और मैं जो कह रहा हूँ आज आप चलिए प्लीज प्लीज बंसाली साहब, मैं समझ गया आज आप तिलक लगा के आए हैं मोर्चे पर एकदम, और आप हमेशा तिलक लगा दिया है, चलिए संस्कृति को समझता हूँ पर ढोल पीट के। बहुत 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 धन्यवाद भंसाली साहब आपका, संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े, अच्छी चर्चा हुई, अच्छी चर्चाओं के बीच कुछ अच्छे पॉइंट्स भी आए और ये छत्तीसगढ़ में ही संभव है, बाकी और भी चर्चाएं आप देखते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, दर्शकों का भी धन्यवाद, नमस्कार।